कार और बाइक के इंजन की बात आती है तो उसकी पावर का पता लगाने के लिए आप जरूर पूछते होंगे कि इसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है। पर क्या आप जानते हैं ये हॉर्स पावर जो टर्म है वो रेलवे इंजन की देन है। स्टीम इंजन की बात आती है तो लगता है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, पर नहीं, स्कॉच इन्वेंटर थॉमस न्यूकोमैन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। उनके बनाए डिजाइन में एक सेपरेट कंडेंसर लगाकर जेम्स वॉट ने इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई थी। जेम्स वॉट ने अपने इंजन मॉडल की मार्केटिंग करने के लिए हॉर्स पावर ये टर्म यूज किया। उन्होंने हिसाब लगाया था कि किसी मील में काम करने वाला एक घोड़ा एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी पावर जनरेट कर सकता है, उसे फिगर आउट करके उन्होंने हॉर्स पावर ये टर्म पॉइंट किया और अपने इंजन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लगाया। ये ट्रिक काम कर गई और आज भी उनकी देन दुनिया इस्तेमाल कर रही है। 1804 में उनके इंजन मॉडल ने फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव की नींव रखी थी। 68,000 किलोमीटर की रूट लेंथ के साथ इंडियन रेलवे दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो बॉम्बे से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर तक पहली बार रेल चलाई गई थी। तो आज की डॉक्यूमेंट्री डेडिकेट है हिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन थी स्टीम इंजन। लोगों को यकीन हो गया था कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल कर रख देगी। इंडस्ट्रीज के मालिक, मजदूर, ये आम लोग सबको मानो पंख से लग गए थे। स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन ज्यादा कच्चा माल और मजदूर फैक्ट्री तक लाने लगी थी। इससे टाइम तो बच ही रहा था और इंडस्ट्रीज को कहीं भी लगने की आजादी मिल गई थी। आज का मॉडर्न रेलवे नेटवर्क इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। 1698 में थॉमस एवरी ने एक स्टीम पावर्ड पंप इन्वेंट किया। 1712 में थॉमस न्यूकोमैन ने सेवरी के डिजाइन को बेहतर बनाया और उसकी पावर भी इंक्रीज की गई। आगे चलकर जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन के बनाए डिजाइन को इम्प्रूव किया और स्टीम इंजन के फ्यूल कंजप्शन को बहुत हद तक कम कर दिया गया। तो इस तरह इंजीनियर्स तब तक लगे रहे थे जब तक हाई प्रेशर मॉडल नहीं मिल गया जो हैवी वेट कैरी कर सकता हो। इस तरह 1801 में रिचर्ड ट्रीविथिक ने पहला स्टीम पावर्ड व्हीकल इन्वेंट किया, लेकिन तब तक इतनी बेहतर रोड्स नहीं थी तो उन्होंने 1803 में एक ऐसे इंजन बनाई जो ट्रैक पर दौड़ सकती थी और यहीं से स्टीम पावर रेलवे ट्रेन का जन्म हुआ। लेकिन हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ दिक्कतें भी लाती हैं। अपने शुरुआती दिनों में रेलवे नेटवर्क फास्ट नहीं थी और कई केसेस में तो इंजन के बदले रेलवे वीगन को घोड़े खींचा करते थे। एक वक्त तो ऐसा भी था जहां घोड़े ने रेलवे इंजन को हरा दिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में ही बेल्टीमोर एंड ओहियो रेल रोड पर घोड़े ही दौड़ रहे थे, पर कंपनी को पता था कि जमाना मशीन का है, मसल्स का नहीं, क्योंकि वेस्ट वर्जीनिया में बेल्टीमोर मेनलैंड और व्हीलिंग के बीच में 380 मील की रेल लाइन पर सिर्फ घोड़े दौड़ने से काम नहीं बनने वाला। तब 1820 में इंजीनियर पीटर कूपर के बनाए रेल इंजन टॉम थम ने घोड़े के साथ एक रेस लगाई। रेस में टॉम थम काफी देर तक आगे रहे, पर इंजन के बॉयलर का लेदर बेल्ट खुल जाने से इंजन बंद हो गया। गरम इंजन को ठीक करते हुए कूपर ने अपना हाथ भी जला लिया, पर लेकिन जब तक रुकी हुई ट्रेन दोबारा मोमेंटम लेती, घोड़ा रेस जीत चुका था। इसके साथ ही एक और दिक्कत थी, बॉयलर एक्सप्लोजन। बॉयलर एक्सप्लोजन के ज्यादातर केस स्टीम लोकोमोटिव के साथ हुए थे, क्योंकि बॉयलर बैरियल में बॉइलिंग वाटर अंडर प्रेशर चला जाता है और ट्यूब के अंदर सुपर हीटेड गैस बनने के चलते एक्सप्लोजन हो जाता है। सिर्फ यूके की बात करें तो 1815 से 1962 तक कुल 137 लोकोमोटिव बॉयलर ब्लास्ट हुए थे। 25 जुलाई 1814 ये वो दिन था, ये वो मौका था जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गया। जॉर्ज स्टेपसन और उनके बेटे रॉबर्ट ने मिलकर एक पहला प्रैक्टिकल स्टीम लोकोमोटिव बना लिया था। इसे ट्रैवलिंग इंजन कहा गया, जो किलिंगवर्थ कोयल माइन के लिए बनाया गया था। 1848 में जॉर्ज स्टेपसन के गुजर जाने के बाद उन्हें द फादर ऑफ रेलवे कहा जाने लगा, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले ही उन्होंने रेलवे ट्रैक को इम्प्रूव कर दिया और किलिंगवर्थ के साथ साथ कई और कोयला खदानों के लिए भी लोकोमोटिव बनाए।
1825 आते आते उनके इंजन को लोकोमोशन नाम दे दिया गया। 1825 में एक बिजनेसमैन के लिए उन्होंने डार्लिंगटन स्टॉकटन तक एक रेलवे नेटवर्क लगाया जो 450 लोगों को बैठाकर 40 मील तक चला। इसे दुनिया का पहला पब्लिक पैसेंजर या पहली ट्रेन के नाम से जाना गया। उनका अगला इंजन था रॉकेट जो 40 मील पर आवर तक दौड़ सकता था, जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला। इसे लोग आयरन होर्स कहते थे। रेलवे इंजन बनाने के लिए जॉर्ज ने न्यूकैसल में अपनी एक फैक्ट्री भी बनाई थी। यहीं से शुरुआत होती है रेलवे एज की। 022 व्हील अरेंजमेंट वाले रॉकेट के फ्रंट में 16 फीट लंबी चिमनी लगाई थी। बीच में लगा था एक सिलेंड्रिकल शेप वाला बॉयलर और सबसे पीछे एक सेपरेट फायर बॉक्स। अगले हिस्से में पहिए लगे थे, वो लकड़ी के बने हुए थे और 38 डिग्री एंगल पर लगे दो एक्सटर्नल सिलेंडर से चलते थे। पीछे लगे छोटे पहियों को सामने वाले ड्राइविंग व्हील से जोड़ा नहीं गया। इस तरह से 022 व्हील अरेंजमेंट मिला। एक सिलेंडर से एक पाइप पंप की ओर लगा था जो बॉयलर में पानी पंप करता था। एक वेल्व से पानी की सप्लाई कंट्रोल की जाती थी। आज इंजन सेल्डन इंग्लैंड के लोकोमोशन म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में एसएन अंडारिया, स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे ने अंधेरे में मशाल का काम किया। 1825 से 1873 तक कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में अपनी सर्विस देकर इसको पहला रूट बनाया। शेल्डन में दरहम से डार्लिंगटन तक इसकी शुरुआत 27 सितंबर 1825 को हुई थी। ऑपरेशन के पहले दिन से ही ट्रेन चलाने के लिए कोयल पावर वैगन का यूज किया गया। इससे पहले तक घोड़े के भरोसे रहने वाले कामगार अब स्टीम इंजन लोकोमोटिव को इम्पोर्टेंस देने लगे थे। फिर ऐसे ही न्यूयॉर्क से डार्लिंगटन तक का रूट बनाया, लेकिन 1840 के दशक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। फाइनली 1873 में नॉर्थ ईस्ट रेलवे नाम की कंपनी ने इसे खरीद लिया और 320 किलोमीटर लंबी रूट बनाना, जिस पर 107 लोकोमोटिव ने अपनी सर्विस दी, मतलब कि 107 पैसेंजर्स इस पर बैठे थे, और इस विरासत को आगे बढ़ाया। लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे ने जो दुनिया का पहला स्टीम पावर्ड इंटर अर्बन रेलवे था, इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये पैसेंजर और मोल्डन को ले जा सके थे। आज का लिवरपूल रोड स्टेशन, जहां साइंस एंड इंडस्ट्रियल म्यूजियम है, वहां मैनचेस्टर टर्माइंस हुआ करता था। 1820 में 24 रेल की शुरुआत हुई और इसने ट्रेड एंड रेलवे में रिवॉल्यूशन ला दिया। रुडोल्फ कार्ल डीजल ने 1879 में डीजल इंजन बनाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उनके बनाए इंजन का यूज, उनकी ट्रिक का यूज आज भी किया करते हैं। उन्होंने 1897 में 25 हॉर्स पावर के 40 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन बनाया था। इनके आविष्कार के बाद 1918 में पहली बार स्विट्जरलैंड से डीजल रेलवे गाड़ी चलाई गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे आज हम यहाँ से यहाँ तक रेलवे रैपिड रेल तक पहुँच गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।